दीजिए, सुप्रिया निलोरिया कौन है? सुप्रिया निलोरिया मम्मी जी। तुमसे मतलब? क्रिश के नाम एक नोटिस आया सुप्रिया निलोरिया को लेकर, जो तुमने खोल दिया। इतनी तमीज तो तुम में है नहीं कि किसी और की चिट्ठी को खोलते नहीं है। मम्मी जी, मैं एक सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ आपसे, ये सुप्रिया निलोरिया कौन है? मैंने भी तुमसे एक बहुत सीधा सा सवाल पूछा, उसका जवाब दे दो ना। तुमसे कहा था कि अपने पापा से 10 लाख रुपए लेकर आओ, 6 महीने हो गए, अब तक लाई क्यों नहीं हो? मम्मी जी, मैंने तो आपको तभी बोल दिया था कि मैं पापा से पैसे नहीं मांगूंगी, जब गिरीश ने मुझसे पहली बार पैसे मांगे थे। मैं जानती थी कि आप ही ने उसको भेजा मुझसे पैसे मांगने के लिए। मेरा जवाब तब जो था आज भी वही है, मैं पापा से 10 लाख रुपए नहीं मांगूंगी। तो फिर मुझसे मत पूछो सुप्रिया निलोरिया कौन है। जवाब तो मैं जानकर रहूंगी मम्मी जी। अच्छा, मुझे ये पता था कि ये गीता रेजपरा का सुसाइड केस है, पर अभी सुप्रिया निलोरिया कौन है, इसका सुसाइड केस क्या है? जिस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है ना, तुम उससे दूर रहो। मेरी सास ने सुप्रिया के बारे में कुछ नहीं बोला, उल्टा उन्होंने मुझे मेरे पापा से पैसे मांगने को कहा, दहेज के पैसे। रेखा की शादी को कुछ ही महीने हुए थे, मिस कैरेज के सदमे से वो निकली ही थी जब उसके सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हुआ जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। गिरीश ने भी वही सवाल पूछा था, पर अलग तरीके से। रेखा, मैं जानता हूं मिस कैरेज के दर्द को मैं पूरी तरह नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन प्लीज इस डिप्रेशन से बाहर निकलो, हम फिर से ट्राई करेंगे। गिरीश, हम कुछ टाइम बाद ट्राई करें। मैं कुछ दिनों के लिए अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ अपने इंटीरियर डिजाइनिंग का एक फर्म खोल लूँ, काम में काफी बिजी हो जाऊंगी तो ये सब जल्दी भुला भी पाऊंगी मैं। सुपर आइडिया, तुम आज ही अपने पापा से बात कर लो। पापा से? किस बारे में? तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हो, तुम्हारे पापा तुम्हारी मदद करेंगे ना, आई मीन पैसे देंगे ना। गिरीश, व्हाट डू यू मीन? मैं पापा से पैसे कैसे मांग सकती हूँ? रिलैक्स यार, ऐसे एक थॉट आया तो बोल दिया। रेखा, गिरीश, बेबी की ग्रोथ एकदम परफेक्ट है, लेकिन इस बार कोई स्ट्रेस नहीं रेखा। जी डॉक्टर, मैं स्ट्रेस नहीं लूंगी। काम कैसा चल रहा है तुम्हारा रेखा? जी बस ठीक ही चल रहा है, क्लाइंट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉप तो नहीं कहूंगी, लेकिन वर्कलोड मिनिमम रखो। बात हुई पापा से? किस बारे में? पैसों के बारे में। कैसे पैसे? बोला तो था तुमसे पैसे मांगने के लिए पापा से। नहीं, तुमने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। अच्छा, शायद दिमाग से निकल गया होगा। क्या तुम पापा से 10 लाख मांग सकती हो? 10 लाख? पर क्यों गिरीश, पापा से 10 लाख रुपए क्यों मांगू? बेटी हो तुम उनकी। हाँ तो? बेटी को पैसे नहीं देंगे? पर किस लिए देंगे? गिरीश, तुम ठीक तो हो ना? ये सुप्रिया निलोरिया कौन है? गिरीश, ये सुप्रिया निलोरिया कौन है? ये बच्चा किसका है रेखा? What? कौन है इसका बाप? गिरीश, shut up! कैसा भद्दा सवाल पूछ रहे हो तुम मेरे से? कोई बॉयफ्रेंड है? कोई एक्स, कोई वाई? सच सच बताओ, जो इंटीरियर डिजाइन का यूनिट चलाती हो, साथ के साथ किसी से अफेयर भी चला रही हो ना? गिरीश,
सोच भी कैसे सकते हो? तुम जानते हो कि मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। याद नहीं तो बता दूं कि जब तुम मुझे छोड़कर गए थे और फिर वापस आए थे तो मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया था। तुमने मुझे एक्सेप्ट किया? तुम प्रेग्नेंट थी इसलिए तुम पर दया करके मैंने तुमसे शादी की, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहती। एक्सेप्ट मैंने किया था तुम्हें, और तुमने क्या किया? किसी और के साथ अफेयर शुरू कर दिया। अब रेखा, इतना हक तो मेरा बनता ही है जानने का। अनबिलीवेबल, तुम पागल हो गए हो। मैंने डॉक्टर उज्ज्वला से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि तुमने सिजेरियन के लिए हाँ कर दी। सिजेरियन का इस बात से क्या ताल्लुक है? हाँ या ना? हाँ, की है मैंने हाँ। तुम इस बात से अनजान नहीं हो कि पिछली बार कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया था, ताकि इस बार कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो इसीलिए सिजेरियन के लिए हाँ किया। डॉक्टर उज्ज्वला का ही रिकमेंडेशन था, हम तो गए थे सेकंड ओपिनियन के लिए। किसी ने कुछ रिकमेंड नहीं किया, सिजेरियन सिर्फ तुम चाहती हो, सिर्फ तुम। तो मेरी शंकर, मैं चाहती हूँ तो उसके पीछे कोई वजह तो होगी ना, ये सब क्यों बोले जा रहे हो? मैं बताता हूँ क्या वजह। प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन तो सिर्फ एक बहाना है, तुम सिजेरियन इसलिए चाहती हो ताकि तुम्हारा फिगर मेंटेन रहे, टिप टॉप रहो अपने उस लवर के लिए। सच कह रहा हूँ ना रेखा? तुम्हारे उस लवर ने कहा होगा कि नेचुरल डिलीवरी मत कराना, उसे तुम शेपलेस हो जाओगे। क्या हुआ, सच सामने आ गया? अच्छा, अब रोगी? ठीक है, रो। मैं सुप्रिया निलूरे के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन गिरीश ने कुछ और ही बात छेड़ दी। एक ऐसा इल्जाम जिसने होश उड़ा दिए। मैं समझ ही नहीं पाई, क्या वो पागल हो गया था या वो हमेशा से ही ऐसा था और मैं ही नहीं समझ पाई। काम पर फोकस करना नामुमकिन सा हो गया था। एक तरफ सुप्रिया निलोरिया का सवाल और दूसरी तरफ गिरीश का अजीब बर्ताव। जी, मेरे कमरे में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। हाँ, सब जगह लगे हैं, इधर हॉल में भी लगा है। आज सुबह ही लगवाए हैं, तुम्हारी नजर नहीं पड़ी शायद। लेकिन क्यों? गिरीश तुम पर नजर रखना चाहता है। तुम फोन पर कितनी देर बात करती हो, कब बात करती हो, किससे बात करती हो, और जब हम घर पर नहीं होते माँ बेटे तो किसको बुलाती हो मिलने के लिए? मम्मी जी, गिरीश को कभी कोई मानसिक बीमारी रही है क्या? पागल तो वो हो ही गया है, तो जैसी लड़की से शादी जो कर ली है, जो एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आई है घर पर। ये अब क्या कह रही है? तेरे पापा 10 लाख रुपए क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि मैं और मेरे पापा दहेज के सख्त खिलाफ हैं। ये बात आप लोगों को मालूम थी पहले से। दहेज की कौन बात कर रहा है? अरे, एक स्त्री धन भी होता है जो हर बाप अपनी बेटी को देता है, गिफ्ट देता है, गिफ्ट। लेकिन आप लोगों को तो गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था आप लोगों को। ये हर शरीफ लड़के वाला कहता है, लेकिन भिखारी भी अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजता। तो क्या गीता और उसके परिवार से भी ऐसे ही गिफ्ट मांगे थे आपने, इसलिए कूद गई थी वो बालकनी से? तो तेरा भी मूड हो रहा है क्या बालकनी से कूदने का? सुप्रिया निलोरिया भी बालकनी से कूदकर मरी थी। कौन थी ये सुप्रिया? कौन से बालकनी से कूद के मरी थी वो? किसके साथ चल रहा है तेरा अफेयर? किसका बच्चा है तेरे पेट में? नाम सुप्रिया निलोरिया है, कब्जारिया समाज की है, मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। क्यों? बस चाहिए, तू प्लीज निकलवा देना, प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है, निकलवाता हूँ। और बता, कैसी है तू? तबीयत कैसी है तेरी? बच्चा कैसा है? फर्स्ट क्लास है। अच्छा सुन, डिलीवरी के लिए राजकोट आऊंगी, चलेगा ना? लाफा मारूंगा तेरे अगर ऐसा सवाल पूछा तो। तू पागल है, अपने घर आने के लिए पूछ रही है? बता, कल आ जाऊं लेने? नहीं, अभी 2 हफ्ते है, पर सुन, उससे पहले मुझे सुप्रिया निलोरिया की सारी डिटेल्स चाहिए। हाँ ठीक है, निकलवाता हूँ नंबर।
क्या हुआ तुषार? रेखा ठीक है ना? कह तो रही है पापा ठीक है, पर उसकी आवाज से लग नहीं रहा। गलती अनजाने में तो हो सकती है, पर गलती अगर जानबूझकर की जाए तो उसे क्या कहेंगे? मैं इस आदमी को पहली बार नहीं देख रही थी, मैंने इसे पहले भी देखा था। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, मैंने उसे नोटिस किया क्योंकि मुझे लगा वो मेरी फोटोज ले रहा है। हाँ तुषार बोलो। सुप्रिया निलोरिया तो बहुत हो सकती है, लेकिन मैंने समाज के ऑफिस से एक कॉन्टैक्ट निकाला है, सूरत का है। ये सूरत के किसी दशरथ निलोरिया की बेटी है, रिटायर्ड पोस्टमास्टर। अच्छा पहले बता तो सही, ये सुप्रिया का सीक्रेट क्या जो तुम मुझसे छुपा रही है? तुषार सब बताऊंगी, पहले मुझे जान लेने दे जो जानना है। तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुषार तू नंबर SMS करना जल्दी। और मेरे लिए जल्द से जल्द एक ऑटो बुलवा दीजिए, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैंने अपने माँ बाप या भाई को मेरे साथ जो हो रहा था उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला था। मैं उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी। लक्ष्मी आई है, बहुत ही सुंदर बेटी हुई है। हमेशा यही चाहता कि मेरे और गिरीश के बीच सब ठीक हो, कि सब कुछ पहले जैसा हो, पर क्या वो कभी मुमकिन होगा? मुझे गीता रेजपरा के बारे में बहुत कम पता था और सुप्रिया निलोरिया के बारे में जानना भी बाकी था, और मुझे सब कुछ जानना था, पर सब कुछ जान जाने का डर भी था। अब कौन सी पहेली सामने आने वाली थी और कौन से गड़े मुर्दे उखड़ कर सामने आने वाले थे? डिलीवरी के 8 महीने बाद रेखा आखिरकार सुप्रिया निलोरिया के बारे में जानने निकल पड़ी। हेलो, कौन बोल रहा है? दशरथ निलोरिया। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? मेरा नाम रेखा सरिया है, वो थोड़ी बात करनी थी आपसे। तुम राजकोट वाले राजेंद्र सरिया की बेटी हो? अंकल आप मुझे जानते हैं? नहीं बेटा, सिर्फ नाम सुना है। मेरी बेटी सुप्रिया ने भी तुम्हारा नाम सुना था। अंकल वो सुप्रिया के बारे में जानने के लिए फोन किया था। क्या जानना चाहती हो बेटा? पर अब जानने के लिए रह भी क्या गया है? तब जानने की कोशिश की होती तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा होती। पापा रेखा ने मुझे बताया नहीं कि उसे सुप्रिया निलोरिया का नंबर क्यों चाहिए। कुछ तो बोला होगा। कुछ नहीं बोला पापा, एक शब्द भी नहीं, पर बातों से थोड़ी टेंशन में लग रही थी। राजेंद्र भाई, समाज की ऑफिस बहुत सारे शहरों में है। रिश्ते के लिए लोग कहीं जगह पे अपने लड़के लड़की का फोटो भेजते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि सारी जानकारी सबके पास नहीं होती है, लेकिन एक बात जानकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। आपकी बेटी रेखा ने गिरीश के साथ शादी कर ली, फिर भी उसे कुछ पता नहीं चला। हाँ परशुराम भाई, उसे कुछ पता नहीं चला, उसे नहीं बताया गया और ना ही हमें कुछ बताया गया। एक तो ये बात है कि उन लोगों ने ये सगाई तोड़ दी, फिर भी आपकी बेटी रेखा ने गिरीश के साथ शादी की,
ज्यादा लोगों को आपने बुलाया नहीं शादी में, ना तो आपने कार्यालय को इन्फॉर्म किया, और आप भी मुझे अब बता रहे हो। ये अजीब नहीं लगता है? एक ऑफिस, एक कार्यालय एक अच्छा काम करने के लिए निकलता है, जोड़ों को मिलवाने का काम, लेकिन कहीं ये रिकॉर्ड नहीं लिखा होता कि एक लड़के ने लड़की के साथ क्या क्या था। जब तक लड़के वाले या लड़की वाले सामने से नहीं बताएंगे, और वो तो कभी नहीं बताएंगे, और ऐसे केस में तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। ये बड़ा अनर्थ हो रहा है, दशरथ की बेटी के साथ जो हुआ, और आपको और आपकी बेटी को जो सहना पड़ रहा है, वो ठीक नहीं है। सुप्रिया हमारी इकलौती बेटी थी। समाज के ऑफिस में उसकी शादी के लिए फॉर्म भरा, उसका फोटो दिया, और उन्होंने हमें गिरीश बिरसना का फोटो दिखाया। उसने बड़ी ईमानदारी की एक्टिंग की होगी आपके सामने, और अपनी पहली बीवी गीता के बारे में बड़ी दुख भरी कहानी भी सुनाई होगी। आपकी बेटी सुप्रिया का रिश्ता इस गिरीश के पास कब गया था? 2011। उसी दौरान तो उसकी हमारी रेखा से भी रिश्ते की बात चल रही थी। दो दो जगह रिश्ते चलाए उन्होंने एक ही समय में, और ना आपको पता चला ना हमें। तुम दोनों रिश्तों को टटोल रहे थे ना गिरीश, मेरे और सुप्रिया के बीच में चुन रहे थे ना? हाँ, तो सुप्रिया की फैमिली भी हाँ नहीं कर रही थी, और ना ही तुम्हारी फैमिली। लेकिन हमने फाइनली हाँ कहा था गिरीश, हमारी सगाई हो चुकी थी, शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी, तुम तब भी उनके साथ बातचीत चलाते रहे। गिरीश, तुमने दशरथ जी को इतना तक नहीं बताया कि हमारी सगाई हो चुकी है, तो सरासर फ्रॉड है ना। काहे का फ्रॉड? इंसान को इतना भी हक नहीं कि अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जिए, अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज करे। मार्च 2012 में हमने रेखा और गिरीश की सगाई कराई थी हमारे घर में, राजकोट में। हमें तो इस बात की भनक तक नहीं लगी, एक शब्द तक नहीं निकला उनके मुंह से इस बारे में। सुप्रिया और गिरीश की शादी कब हुई थी? अगस्त 2012। रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हूं, जितना प्रोविडेंट फंड मिला था सबका सब शादी पे लगा दिया, सारे अरमान पूरे करने थे, फिर भी उनको पैसे कम पड़ गए। उनकी मांगे कभी खत्म ही नहीं होती। दशरथ जी, जमाना बड़ा महंगा है, एक 10 लाख रुपए के नीचे कुछ मांगने में तो हमें भी शर्म आती है। विद्या बेन, मैं एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हूँ, अब तक जो कुछ बचाया है वो सब तो शादी पे खर्च हो जाएगा, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इकलौती बेटी है आपकी, अब इतना सस्ते में भी पल्ला ना झाड़िए। गिरीश, मेरे पापा के पास वाकई में कुछ भी नहीं है देने के लिए। अगर आपको मैं पसंद हूं तो उठो। हाँ, उठो, खड़े हो जाओ। पलटो, पलटो एक बार। फिर से पलटो। जब हम एंगेज थे तुमने सुप्रिया के साथ शादी फिक्स कर ली, जुलाई में मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ी, और अगस्त 2012 में सुप्रिया से शादी कर ली। कोई वजह नहीं दी थी एंगेजमेंट तोड़ने की, ऐसे कहते तुम्हारे पास तो कोई रीजन ही नहीं था। तुमने सुप्रिया से शादी कर ली, तुम मुझे सेव कर रहे थे, सोची समझी सेविंग थी मैं। कल को अगर सुप्रिया के साथ बात बिगड़ जाती तो लास्ट रिजॉर्ट के रूप में तो मैं थी ही तुम्हारे लिए। बोलो गिरीश, क्यों किया ये सब? क्या सुप्रिया से शादी? सुप्रिया से शादी, मेरे साथ धोखा, ये गंदा खेल क्यों खेला तुमने?
मुझे सुप्रिया का फिगर बहुत पसंद था। क्या? वो तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल थी और उसका फिगर भी तुमसे ज्यादा सेक्सी था। क्या मैं तुम्हें सच में जानती भी हूँ गिरीश? नहीं जानती? ऐसा क्या है मेरे बारे में जो तुम नहीं जानती? हम मिले, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, हम फिर मिले, सब कुछ किया, अब और क्या है बताने लायक? ये तो नहीं बताया था ना कि तुमने सुप्रिया से शादी कर ली? ये भी नहीं बताया था कि तुमने और मम्मी जी ने दहेज के लिए सुप्रिया को भी टॉर्चर किया था? हमसे जो जो बन पाया हमने दिया, फिर भी सुप्रिया को परेशान करना उन्होंने कम नहीं किया। हमारी तो एक ही गलती थी जी, कि अब हमारे पास उनको देने के लिए और कुछ बचा ही नहीं था। अरे पैसे है ही नहीं तो कहाँ से देंगे मेरे मम्मी पापा? अरे उनके पास नहीं है तो क्या, बैंक में तो है, लोन लेने को कहो, घर गिरवी रख दो, भीख मांग लो, पर पैसे लेकर आओ। 10 लाख ज्यादा नहीं होते सुप्रिया, मुझे तुम्हें जिंदगी भर खिलाना पिलाना है, बच्चे बच्चे भी तो चाहिए तुम्हें, तुम्हारे पापा ने अभी तक सिर्फ 2 लाख दिए हैं, बाकी के पैसे क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि पैसे हैं ही नहीं ना, क्यों नहीं समझ रहे आप लोग, कुछ नहीं बचा उनके पास, सब खत्म हो चुका है गिरीश। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता था उसके लिए तो हम उसे यहां बुला लेते थे। मारता था सुप्रिया को, जानवरों जैसा बर्ताव करता था गिरीश, फिर भी वो लौट जाती है अहमदाबाद, उसे हमारा दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। तुम सेक्स मेनियक हो, मनी मेनियक हो, या सिर्फ पूरी तरह से पागल हो? पहले तुम बताओ, तुम्हारे लिए सेक्स उस लवर के साथ ज्यादा मजेदार है ना, होम से बेटर है ना, इसीलिए तुमने सिजेरियन कराया, अब शर्माना कैसा, बोल ही दो। शादी से पहले गिरीश पर टूट पड़ी, प्रेग्नेंट हो गई और सेक्स मेनिया किसको कह रही है, इतनी भूख थी तुझे सेक्स की। अचानक से गिरीश की कही एक बात मेरे दिमाग में आई। सच की एक अजीब सी बात होती है, हमें हमेशा लगता है कि सच वो नहीं है जो हमें बताया गया, जो हम जानते हैं सच कुछ और है। तुम सच कहते थे गिरीश, सच सचमुच बहुत अजीब होता है, हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना हमें बताया जाता है, हम कभी जान ही नहीं पाते जो हमें बताया नहीं जाता। ये बात मैं तब नहीं समझ पाई थी, तुमने सुप्रिया को सुसाइड करने पर मजबूर किया। ये तुम्हें सच लगता है, पर ऐसा है नहीं, मैंने तो उसे सिर्फ सच कहा था। सच कहने के बहाने तुम उसके साथ खेल रहे थे गिरीश, फिर तुम्हें कुछ और चाहिए था, कुछ नया, इसीलिए तुम मेरे पास आए। गिरीश भाई, कोर्ट नोटिस का ड्राफ्ट पड़ा क्या? नहीं, वो नोटिस सुप्रिया के लिए था ना। आपको ये सूचित किया जाता है कि आपने अपने पति गिरीश बिरसना का घर अपनी मर्जी से छोड़ा है और इस घटना के लिए गिरीश बिरसना एवं उनका समस्त परिवार जिम्मेदार नहीं रहेगा, और अगर यही स्थिति कायम रही तो हम अलगाव तथा तलाक की सूचना भेज सकते हैं। लगता है गिरीश दूसरी शादी करने का प्लान बना रहा है। मैं आज ही अहमदाबाद जा रही हूँ, जो भुगतना होगा मैं भुगत लूंगी, लेकिन वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। सुप्रिया बेटा, वो अहमदाबाद लौट गई गिरीश के घर नरक में, और उसे जब पता चला उसने फौरन रेनू को फोन कर दिया। पता चला मतलब रेखा और गिरीश की शादी के बारे में? गिरीश तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। गिरीश क्यों नहीं कर सकता, तुम भी तो मुझे छोड़ के चली गई थी, वो क्या है कि मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है, दिन नहीं कटता, रात नहीं कटती। तुम भी तो छोड़ के चले गए थे मुझे दुबई 6 महीने के लिए। वो तो मैं अपने मन के सुकून के लिए गया था, मेरी बॉडी के सुकून के लिए मुझे फुल टाइम बीवी चाहिए थी। गिरीश मैं हूँ ना तुम्हारी फुल टाइम बीवी, मैं हूँ ना। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है और तुम मेरी जिम्मेदारी भी नहीं रही। गिरीश कौन है वो? रेखा, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। अब प्रेग्नेंट लड़की को कोई धोखा देता है क्या? वैसे भी सबसे बड़ा धोखा तो तुमने मुझे दिया है, वैसे ही नहीं लाइक मायके से, तुम्हारे बाप से मांगे थे। वैसे भी तुम वैसी नहीं रही जैसे तुम पहले थी, तुम्हें अपने आप को मेंटेन करना ही नहीं आता।
उस दिन सुप्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ उस सब के बारे में उसने अपनी माँ को बताया। मेरी बेटी ने अपनी माँ से कहा कि मुझे कुछ पता न चले, अपने टूटे हुए पापा को वो चूर चूर होते नहीं देखना चाहती थी। पर रेनू मुझे कैसे न बताती। उस दिन पहली बार मैंने रेखा का नाम सुना, तब मुझे नहीं पता था कि वो आपकी बेटी है। मैं तो बस अपनी बेटी से बात करना चाहता था, उसे विश्वास दिलाना चाहता था कि मैं रेखा से बात करूंगा, उसे दलील करूंगा कि मेरी बेटी का घर न तोड़े। तो सुन रही है ना बेटा सुप्रिया, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटा तू किसी बात का टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं उस लड़की से बात करूंगा बेटा, उसकी दूसरी शादी हम नहीं होने देंगे, ये बिल्कुल नहीं होने देंगे बेटा। मैं सब ठीक कर दूंगा बेटा, तू देखना, तू बिल्कुल टेंशन मत ले बेटा। सुप्रिया निलोरिया, मेरे पति की दूसरी वाइफ ने भी सुइसाइड किया था, पहली वाइफ गीता रेजपरा की तरह। सुप्रिया ने इसी बालकनी से सुइसाइड किया था, ये बात मुझसे किसी ने नहीं कही, ना पड़ोसियों ने ना किसी और ने। तब मेरे जहन में ये बात नहीं आई थी कि शायद इसी सुइसाइड की वजह से गिरीश और मम्मी जी दोनों इस बिल्डिंग में किसी के साथ वास्ता नहीं रखते, घुलते मिलते नहीं, अपने में ही रहते। अब हम सीधा ना अहमदाबाद चलते हैं, रेखा और पूजा को अपने घर ले आते हैं। इतना कुछ सुनने के बाद और कुछ करने की सोच भी नहीं सकता मैं। सीधा रेखा के ऑफिस जाते हैं, उन दोनों को साथ में लेके आते हैं। वो आदमी कौन था? दोस्त है गिरीश, आदमी कई महीनों से मेरा पीछा कर रहा है, पता है तुम्हें? प्रेगनेंसी के टाइम से इसने मेरी फोटो भी निकाल रखी है। ड्यूटी कर रहा है, मैंने उसे बोला था। तो मेरा पीछा करवा रहे थे? क्यों? तुम नाम ही नहीं बता रही थी पूजा के बाप का। तो तुम्हारे उस दोस्त से बताया तुम्हें कि किसके साथ मेरा अफेयर चल रहा है? एक होता तो बताता, उसने तो कई लोगों के साथ तुम्हें देखा है। तुम मानसिक रूप से बीमार हो क्या? नाम बता दो ना बाप का। Oh my God, गिरीश, किस किस्म के इंसान हो तुम? तुमको दिखाई नहीं देता क्या? मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है, पागलों की तरह। तुम्हारे अलावा और किसी आदमी की तरफ मैंने कभी देखा भी नहीं। गिरीश सच है ये, सच है। सच की एक अजीब सी बात है, हमें हमेशा लगता है कि सच वो नहीं है जो हमें बताया गया, जो हम जानते हैं बस कुछ और है। ये पूजा बेटी चलेगी अपने नानू के साथ, नानू के घर हैं? देखा, सामान बांधो अपना, तुम और पूजा अभी हमारे साथ चल रहे हैं घर हमेशा के लिए, समझी? नहीं तुषार, मैं ऐसे ही नहीं जा सकती, ये सब खड़ा करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो ये सब काम तुम राजकोट में भी कर सकती हो ना? जानवर है वो गिरीश, जानवर। हमारे जीवन की बुरी खबर, हमसे हुई बहुत बड़ी गलती है, उसे अभी के अभी सुधारना होगा बेटा। अगर ऐसा नहीं किया ना तो वो गलती नहीं कहलाएगी, बहुत बड़ी भूल कहलाएगी वो। अगर तुझे काम अहमदाबाद में रखी करना है ना, तो मैं और तेरी भाभी यहीं शिफ्ट हो जाते हैं तेरे साथ,
जब तक तू सेटल नहीं हो जाएगी ना तेरे साथ ही रहेंगे। क्यों रहेगा तू मेरे साथ? तेरा कोई काम नहीं है राजकोट में, जिंदगी नहीं है तेरी। मैं किसी की जिंदगी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। बेटा एक गलती हम कर चुके हैं, अब दूसरी गलती करके इस मासूम की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। मैं जानती हूँ गिरीश के साथ कुछ गड़बड़ है, बट ही नीड्स हेल्प, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट करवाना होता ना तो शादी से पहले करवाता। वो रेखा वो आदमी गलत है और तू उसकी तरफ से सफाई देना बंद कर दिया। चल मैं जानता हूं तू अभी भी उससे प्यार करती है, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, अगर अब तूने उसको मौका दिया ना तो वो मौका नहीं कहलाएगा, मौत होगी वो मौत। तेरे प्यार की, तेरे विश्वास की, हम सबकी खुशियों की बस बहुत होगी बहस। जो तेरा जरूरी सामान है उठा और चल। ऐसे नहीं जा सकती पापा, जो सोचने का वक्त चाहिए। सोचने के लिए बचा क्या है? है तुषार, है बहुत कुछ सोचना है। गिरीश का कोर्ट केस चल रहा है सुप्रिया को लेकर, गीता सुप्रिया कभी लौट तो नहीं सकती, जो हुआ बुरा ही हुआ। और अब सच ये है कि जिससे मुझे प्यार हुआ, शादी की, वो ऐसा निकला, लेकिन है तो वो मेरा पति ना। क्या गिरीश का पागलपन मुझ में झलक रहा था? क्या ये पागलपन में डूबा रिश्ता मुझे इस हद तक लपेटे में ले चुका था कि मैं पूरी तरह कन्विंस हो गई थी कि पूजा को एक बाप की और मुझे एक पति की जरूरत है? मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा इस पागलपन का राज, यही है मेरी जिंदगी का सच कि एक गन भी ये नहीं कह सकी कि वो जान ले सकती है। गिरीश की कार ऑल अहमदाबाद वडोदरा हाईवे पर मिली है, कार में गन नहीं है। सर गाड़ी के आगे के दोनों टायर पंचर है, लगता नहीं है कि वो ज़्यादा दूर तक गया होगा, मैं हाईवे पेट्रोल टीम को अलर्ट कर देता हूँ। सर स्पॉट कर लिया है, लगता तो गिरीश ही है, कुछ 100 मीटर की दूरी पर चलता जा रहा है। शक नहीं था मुझको, मैं आपसे कह रहा हूं उसका अफेयर था, एक नहीं कई। तुमने गन सिर्फ उसे मारने के लिए खरीदी थी? हाँ 2 हफ्ता पहले, 25,000 रुपए की, अफेयर तो था उसका। वो गन कहाँ है जिससे तुमने अपनी पत्नी को मारा? पता नहीं। सही कहा था आपने, किसी इंसान के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं लेकिन सब कुछ कभी नहीं। नहीं राजेंद्र भाई, सब कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर सब कुछ सामने हो। सब कुछ सामने है, सब कुछ सामने ही तो था, पर हम नहीं समझे। रेखा भी कहां समझे, मैं
क्या होता अगर गीता ने इतना भयंकर कदम उठाने की बजाय अपने मन के दर्द को अपनी मां और अपने भाई के साथ शेयर किया होता? तब वो शायद उसे उस टॉर्चर के दलदल से बाहर निकाल पाते। क्या होता अगर सुप्रिया रेखा से मिल लेती, अपने साथ हो रहे टॉर्चर को वो रेखा को बता देती? क्या होता अगर रेखा ये देख पाती कि उसकी शादी दरअसल एक शादी नहीं बल्कि झूठ, फरेब और पागलपन का दलदल है? तब वो उसमें कदम रखने की बजाय अपने क्या गीता रेजपरा गिरीश की पहली पत्नी दहेज के लिए सताई गई थी? इस बात का जवाब कानूनी दायरे में अभी धुंधला है और शायद ये धुंध कभी नहीं हटेगी। रेखा की बेटी पूजा अब रेखा के परिवार वालों की देखरेख में है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और दस्तक के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।